एंड नंबर ऑफ टर्म्स है वो पावर में आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन लिख लिया, लेट 3, 6 एंड सो ऑन इज जी पी, देन फाइंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कॉमन रेशियो, सेकेंड पार्ट नाइन्थ टर्म, ये ठीक है, थर्ड पार्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो बस ठीक है, फोर्थ पार्ट और लिख लिया, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हाउ मैनी, सॉरी हाउ सॉरी हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन, ठीक है, सच दैट सम एक्सीड्स 200, या सम एक्सीड्स 300, मान लिया 300, ये क्वेश्चन है। तो फिर हमने सॉल्यूशन शुरू कर दिया। फर्स्ट कॉमन रेशियो दिख रहा है, 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2, तो 2 ये आंसर हो गया। दूसरा नाइन्थ टर्म, तो सेकंड पार्ट के लिए ए बराबर कितना है क्वेश्चन में, 3, आर बराबर कितना है, 2, तो टी 9 कितना हो जाएगा, ए इंटू आर रेस टू पावर, अगर यहाँ नाइन्थ टर्म चाहिए तो एक पावर कम हो जाएगा 8, तो दिस इज 3 इंटू 2 रेस टू पावर 8, ठीक है, दिस इज 3 इंटू 2 रेस टू पावर कितना होगा, 2 रेस टू पावर 8 कितना होगा, 256, सही है, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 768, ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो वो भी निकाल दिया, मतलब S10 चाहिए, तो S10 कितना हो गया, A टाइम्स R रेस टू पावर 10-1, क्योंकि 10 टर्म्स का सम चाहिए, डिवाइडेड बाई R-1, तो दिस इज इक्वल टू A टाइम्स 2 रेस टू पावर 10-1 अपॉन 2-1, नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 इंटू 2 रेस टू पावर 10-1, वो कैलकुलेट करके लिख सकते हो अपने आप। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या बोला कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट सम एक्सीड्स 300, ये ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमने मान लिया लेट मिनिमम, ये ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये ठीक है, या फिर लेट रिक्वायर्ड, जो चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, लेट रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर टर्म्स इज एन, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो सम है वो 300 से ज़्यादा आना चाहिए, तो एस एन शुड बी ग्रेटर देन 300, दिस इम्प्लाइज ए टाइम्स, ये ठीक है, आर रेस्ट बार एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 300, दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना है 3, आर का वैल्यू कितना है 2, अपॉन 2-1 शुड बी ग्रेटर देन 300, विच एम्प्लाइज ये तो 1 हो गया, इस 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 2 रेस्ट बाय एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 100, या फिर 2 रेस्ट बाय एन शुड बी ग्रेटर देन 101, ऐसा एन का मिनिमम वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर एन का वैल्यू हमने 4 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड 16 आएगा, 5 लिया 6 लिया तो 64 आएगा, 7 लिया अगर एन का वैल्यू तो फिर वो 101 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 6 लिया तब तो 64 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 64 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इनइक्वालिटी को, एन इज इक्वल टू 6 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
अगर मैंने 7 रखा तो वो सेटिस्फाई करेगा, 8 रखा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, 9 रखा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। बट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एन चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कितना हो गया, 7। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज एन बराबर 7, 8 एंड सो ऑन। ये ठीक है, तो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 7। ये ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यही आंसर हो गया बस। तो रिजल्ट के नाम पे यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, एक तो एन टर्म्स का समेशन वो तो या क्या, ये ठीक है, और दूसरा एनथ टर्म, ये भी इसको भी याद रखना है, एनथ टर्म, ये ठीक है, ओके। लेट्स मूव अहेड। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखा हमने, इनफाइनाइट जीपी। ये ठीक है, लेट मॉड आर इज लेस देन 1, देन अच्छा उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास हाफ है 1/2, कोई भी एक नंबर है एक से छोटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाफ है, हमने उसको स्क्वायर किया, हाफ का वैल्यू कितना होगा वैसे 0.5, मैंने उसको स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 1/4, उसका वैल्यू कितना आएगा 0.25, फिर उसको क्यूब किया मैंने हाफ को तो आ जाएगा 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, वो हो जाएगा 0.125। कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर एक से छोटा है तो उसमें हम जितना पावर बढ़ाएंगे उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा, जैसे 0.5 था फिर 0.25 हुआ, 0.125 हुआ, फिर और कम होगा एंड सो ऑन। अब मैं ऐसे करता ही चला जाऊँ इन्फाइनाइट तक ले जाऊँ तो हम बोल सकते हैं वैल्यू जीरो को जाएगा, ठीक है, वैल्यू जीरो की तरफ चला जाएगा। तो इन्फाइनाइट जीपी का मतलब ये है कि मान लिया कॉमन रेशियो एक से छोटा है, तब ये जो ए आर, ये ठीक है, ए आर स्क्वायर, मान लिया ये एक इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो फिर इनका सम क्या होगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड इस इन्फाइनाइट जीपी का सम क्या होगा। अगर एन का वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन होता तब तो सम ये होता अपॉन आर माइनस वन। अगर ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है मतलब इन्फाइनाइट टर्म्स को जोड़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि सम जो है, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि जो n है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, वो इन्फाइनाइट को जा रहा है, तो उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट n इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी निकाल लिया। ये ठीक है, लिमिट विट नहीं समझ में आता तो तुम ऐसे ही मान लो अभी टाइम बींग के लिए कि अगर r का वैल्यू एक से छोटा है, ये ठीक है, वो तो यहाँ पे दे ही रखा था r का वैल्यू एक से छोटा है, तो अगर n इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब अभी मैंने समझाया ना कि अगर r का वैल्यू एक से छोटा है तो उसका अगर मैं पावर बढ़ाता चला जाऊँ तो उसका वैल्यू घटता चला जाएगा, तो अगर ये n का वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा तो ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, जीरो की तरफ, तो फिर सम कितना आ जाएगा, a, ये r रेशो n की जगह तो जीरो हो गया, तो ऊपर बचा माइनस वन अपॉन r माइनस वन, माइनस को नीचे ले गए तो ये आ गया 1 माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फाइनाइट जीपी का सम है, ये जो इन्फिनिटी तक नंबर ऑफ टर्म्स जा रहे हैं वो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये ठीक है, बट ये फॉर्मूला वैलिड कब है, इन्फाइनाइट टर्म्स का समेशन कब वैलिड है, केवल जब वैलिड है जब मॉड आर एक से छोटा हो या फिर जब आर माइनस वन और वन के बीच में हो, तभी ये वैलिड है फॉर्म, ये ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जीरो तो होना नहीं चाहिए, जीरो वीरो तो है नहीं, जीरो रखोगे तो वैसे बराबर बराबर आ जाएगा बट फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता।